प्रिय बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज त्रिभुज में ज्यामिति में एक्सरसाइज 11.2 कर रहे थे। 11.2 में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर हम एक बारवां दे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 11.2 आपको कह रहा है, पी का मान ज्ञात कीजिए रेखाओं के समीकरण दिए हुए, ये रेखाएं परस्पर लंब है। तो प्रश्नानुसार रेखाओं के समीकरण आपके दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया है 1 - x / 3 बराबर 7y - 14/2p बराबर z - 3/2। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने, मानक जो सूत्र होता है उसके अकॉर्डिंग, सूत्र क्या होता है पता है आपको? सूत्र रेखा, या पहले आप दोनों समीकरण नोट करेंगे, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया, दूसरा दिया है 7 - 7x / 3p बराबर y - 5/1 बराबर 6 - z/5, ये दिया हुआ है और कह रहा है ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब है, तो p का मान परपेंडिकुलर है तो p का मान क्या होगा? तो आप पहले सूत्र के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। आप सूत्र जानते हैं, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण क्या सूत्र होता है? x - x1/a y - y1/b z - z1/c। यहां पर देखिए ये 1 - x दिया हुआ है, तो इसको हम इस रूप में बनाएंगे। तो समीकरण एक से, समीकरण एक को कैसे लिखेंगे? माइनस कॉमन निकालोगे तो ये x - 1 हो जाएगा और इस माइनस को आप नीचे कर दीजिए, माइनस कॉमन निकालना -3 नीचे लगा दीजिए बराबर, यहां 7 कॉमन निकालो या इसको y - 2/2p बराबर z - 3/2, या इसको ये भी कह सकते हो x - 1/-3 बराबर y - 2/2.7p बराबर z - 3/2। इक्वेशन नंबर 3, ये यही इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा जो है मॉडिफाई किया गया है। अब इक्वेशन समीकरण दो से इसको भी आइए, इसमें -7 कॉमन निकालिए तो आपके पास यहां -1 आ जाएगा, -1 + x / 3p बराबर y - 5/1 बराबर, यहां माइनस कॉमन निकालेंगे तो -6 + z/5 ये हो जाएगा। तो कितना हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते x - 1 - 3/7p बराबर y - 5/1 बराबर z - 6/-5। इक्वेशन नंबर 4, अब आप देखिए ध्यान से, ये दोनों समीकरण, ये समीकरण 3 इसका मॉडिफाई रूप है और ये इसका मॉडिफाई रूप है, यानी 3 और 1 बराबर है 2 और 4। अब आप देखिए ये दोनों, ये जो रेखा है, ये जो रेखा का समीकरण दिया है, ये रेखा जिस सदिश के समांतर है उसके दिक अनुपात ये दिए हुए हैं। आप जो नीचे संख्या लिखी होती हैं वो उस सदिश के जिसके समांतर है उसके दिक अनुपात होते हैं। तो यहां पर इसके दिक, उस सदिश के दिक अनुपात जो जिसके समांतर है a1 b1 c1, और ये रेखा जिस सदिश के समांतर है उसके दिक अनुपात ये हो गया। अब दो समांतर रेखाओं, चाहे इनके बीच
इनके अगर जो है दो रेखाएं परस्पर लंब हैं, ये परस्पर लंब है, तो इनके समांतर जो रेखाएं होंगी वो भी तो परस्पर लंब होंगी। आप देखिए ये भी तो 90 होगा, अगर ये 90 है तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम इनके समांतर जो रेखाएं हैं, इसके समांतर जो रेखा है इसके समांतर, ये दोनों रेखाएं भी परस्पर लंब होंगी, यानी ये और ये परस्पर, ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी वन, वेक्टर बी टू, सॉरी इधर ये वेक्टर बी वन और ये वेक्टर बी टू। तो अगर ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब है तो ये भी परस्पर लंब होंगी। तो कहने का तात्पर्य है बी वन और बी टू के जितने अनुपात होंगे उनमें क्या संबंध होगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बराबर जीरो। ये कंडीशन होती है कि दो रेखाएं परस्पर लंब होंगी यदि दो रेखाएं परस्पर लंब होंगी यदि क्या हो, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बराबर जीरो। यहां पे समीकरण इसको नंबर 5 दे दीजिए, या ये सूत्र है, सॉरी ये सूत्र है, तो समीकरण 3 व 4 से, तो 3 में आप रखिए, देखिए a1 क्या आएगा, a1 बराबर -3, b1 बराबर 2/7 p, c1 बराबर 2, a2 बराबर -3/7 p, b2 बराबर 1 और c2 बराबर -5। अब इस सूत्र में मान रख दीजिए, सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में आप मान रख देंगे, आप देखिए क्या आएगा, -3 × -3/7p प्लस 2/7p गुणे 1 और यहां पे प्लस 2 × -5 बराबर 0, 9/7p और प्लस 2/7p -10 बराबर 0, 9 × 2 = 11/7p बराबर 10, तो p बराबर 70/11, p का मान ही आएगा, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से मेरी समस्या आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेखाओं इतने दिया हुआ है, रेखाओं इतने और इतने के बेस की न्यूनतम दूरी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड में दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का एक सवाल 5 नंबर में जरूर आता है। इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए, ये अभ्यास ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 6-7 नंबर का जरूर आएगा, तो ये आप अभ्यास बहुत अच्छे से करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, 14, 16 और 17 ये तीनों एक जैसे हैं, इन तीनों में एक हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप स्वयं कर लीजिएगा। तो एक हम मान लो 17 बताते हैं, 17 को पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रेखा के समीकरण के रूप में चेंज कर लेंगे, तब उसके क्वेश्चन करेंगे, और एक 15 बता देते हैं। तो आइए हम सबसे पहले 17वां बताते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 11.2, रेखाओं के बीच, यहां पर रेखाओं के समीकरण दिया हुआ है, रेखाओं के समीकरण क्या दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है वेक्टर r बराबर 1 − t i प्लस t − 2 j
प्लस थ्री माइनस टू टी के, या इसको ये भी कह सकते हो वेक्टर आर बराबर आई माइनस टी जे प्लस टी आई, सॉरी टी आई और टी जे माइनस टू टी जे टू जे सॉरी माइनस टू जे प्लस थ्री के माइनस टू टी के। तो यहां से टी वाले पद एक साथ बाकी इधर, तो आई माइनस का टू जे प्लस का थ्री के, और इधर प्लस टी कॉमन निकालना सब में से, और ये आ जाएगा माइनस का आई और टी वाला पद प्लस का जे, और टी का पद ये है टी कॉमन माइनस का टू के, ये वेक्टर आर। इसको इक्वेशन नंबर वन डाल लीजिए, और पुनः प्रश्नानुसार वेक्टर आर बराबर दूसरी रेखा क्या दी हुई है, दूसरी रेखा का समीकरण आपके पास है वेक्टर आर बराबर एस प्लस वन आई प्लस टू एस माइनस वन जे माइनस टू एस प्लस वन के। ये तो अब इसको भी आप इस रूप में चेंज करेंगे, सबसे पहले तो गुणा कर दीजिए आई का, एस आई प्लस आई प्लस टू एस जे माइनस जे माइनस टू एस के माइनस के। आई पहले आई एस के पद एक साथ और बाकी शेष एक साथ, तो आई माइनस का जे माइनस का के, और प्लस एस कॉमन निकालो तो आई प्लस टू एस माइनस टू के, सॉरी ये यहां पे ये क्या टू जे एस यहां से कॉमन कर देंगे, तो यहां प्लस टू जे माइनस टू के ये आएगा। यहां पे यहां एस निकालना तो आई आया, टू जे आया, माइनस टू के आया, तो ये वेक्टर ये इस तरह से आया। यहां पर देखिए इसका अर्थ क्या होता है, आर बराबर आई माइनस टू जे प्लस थ्री के प्लस टी टाइम्स इतना, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा ये जो सदिश है इस बिंदु से होकर जाता है जिसका स्थिति सदिश ये है और इस सदिश के समांतर है, यानी ये ए वन हो गया ये बी वन हो गया, और ये सदिश ये रेखा समीकरण इसमें इसको दो नंबर दे दीजिए, इसका क्या अर्थ है कि हमारी जो रेखा है वो इस बिंदु से होकर जाती है आई माइनस जे माइनस इससे होकर जाती है और इस सदिश के समांतर है, यानी ये बी टू है और ये ए टू है। तो यहां पे आपके पास कह सकते हैं कि ए वन बराबर अतः ए वन वेक्टर ए वन आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, और वेक्टर बी वन बराबर माइनस का आई प्लस का जे माइनस का टू के, और दूसरा ए टू वेक्टर बराबर आई माइनस का जे माइनस का के, और बी टू वेक्टर बराबर आई प्लस टू जे माइनस टू के। अब ए टू माइनस ए वन निकालने सबसे पहले, अभी ए टू माइनस ए वन तो आई माइनस का जे माइनस का के माइनस का आई माइनस का टू जे और माइनस का थ्री के, तो आई से आई कट जाएगा, ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया जे और माइनस का फोर के, ये आ गया आई जीरो है। इसको ऐसे लिख सकते हो जे आई को भी साथ में लिख सकते हो, जीरो आई और प्लस का जे और माइनस का फोर के, ये आ गया वेक्टर ए टू माइनस ए वन। अब हमें ज्ञात करना है वी वन क्रॉस वी टू, बी वन क्रॉस वी टू, तो बी वन क्रॉस वी टू
आई जे के मैं आपको बता चुका हूं सारणिक के रूप में, तो B1 के निर्देशांक -1 एक और -2, -1 एक और -2, और B2 के निर्देशांक 1 2 और -2, 1 2 और -2। अब आप देखिए यहां पे इसका प्रसार करेंगे B1 क्रॉस B2, इसका जब प्रसार करेंगे तो आई, अब आइए यहां से ये स्तंभ हटाइए, ये पंक्ति हटाइए, तो -2 और +2, -2 और यहां ये हो जाएगा +2। और इसके बाद जे माइनस का जे, ये स्तंभ हटाएंगे, ये पंक्ति हटाएंगे, तो यहां से क्या होगा, यहां पे -1 और -2 2 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस +2 +2, 2 + 2, और फिर ये के साथ क्या होगा, ये हटाइए ये हटाइए, तो यहां पे ये -1 और 2 का गुणा करेंगे -2, और यहां पे 1 और 1, तो -2 -1, -2 और -1, तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 आ गया, और यहां -4j और 2 -2 -1 माइनस का 3k। यहां कुछ गड़बड़ है क्या, यहां B1 -1 एक और -2 1 2 और -2, तो -2 ये देखिए यहां पे चलिए ठीक है, ये आ रहा है। अब मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, तो यहां आपका मॉड जो होगा √0 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर बराबर √0 प्लस 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिकोण √25। और इसका जे +4 4 3 12, तो यहां सूत्र होता है न्यूनतम दूरी बराबर मॉड ऑफ A2 - A1 dot B1 cross B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो ये न्यूनतम दूरी, इसको d कह दीजिए, d बराबर इसका मान रख देंगे, तो ये मान आएगा 0i + j - 4k dot -4j - 3k अपॉन, यहां कुछ गड़बड़ है, B1 और B2, B1 जो मान आया है -1 1 और -2, और B2 का जो मान आया 1 2 और -2, तो B1 क्रॉस B2 -2। अच्छा ये हाँ देखिए ये गड़बड़ हो रही है, -2 और 2 दूना 4 माइनस प्लस का 4 ये आएगा,
प्लस का चार आएगा, ये गड़बड़ हो रही है, यही पे ये चार आएगा। देखिए माइनस दो और दो दुना चार, माइनस का चार करेंगे प्लस का चार, तो यहाँ प्लस का दो आई आएगा, ये टू आई आएगा, और ये टू आई आएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा दो दुना चार, और यहाँ पर भी क्या आएगा ये चार, और ये हो गया रूट 29। और यहाँ पे ये तो ठीक है, यहाँ पे टू आई और रूट में 29, तो इस तरह से इसका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई का आई के साथ जीरो, जे का जे के साथ माइनस का चार, और चार तय 12, प्लस का 12 बटे रूट 29 बराबर मॉड के अंदर 8 बटे रूट 29 बराबर 8 बटे रूट 29 इतने मात्रक, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, और एक आध क्वेश्चन और बताना होगा, आप पूछिएगा तो बता देंगे। एक क्वेश्चन और जो है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको हम संकेत कर दे रहे हैं, आप करिएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। मैं इसको संकेत कर दे रहा हूं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ताकि ये अभ्यास आज खत्म हो जाए, क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 11.2, आपको ये रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं, रेखाओं के समीकरण क्या दिया हुआ, x प्लस 1 अपॉन 7 और y प्लस 1 अपॉन 6 बराबर z प्लस 1 अपॉन 1। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे रेखा समीकरण के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 7, y माइनस माइनस 1 अपॉन 6 और z माइनस माइनस 1 अपॉन 1, इस क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा दिया हुआ है x माइनस 3 अपॉन 1 बराबर y माइनस 5 अपॉन माइनस 2 और z माइनस 7 अपॉन 1। तो आपको यहां पर सब कुछ पता है, ये इक्वेशन, ये दूसरा समूह, यहां पर ये देखिए हमारी ये रेखा इस बिंदु से होके जाती है, कौन से, माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1, तो यानी ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया, और दूसरा बिंदु यहां से क्या आएगा, 3 5 और 7 x2 y2 और z2। ठीक है, इन बिंदुओं से होके जाती है, और ये रेखा किसके समांतर है, जिसके द्विक अनुपात a1 b1 c1 ये है, b1 बराबर 6 और c1 बराबर 1, और ये रेखा जिसके समांतर है उसके द्विक अनुपात a2 बराबर 1, b2 बराबर माइनस 2, c2 बराबर 1। अब इन जो जो दूरी इसके बीच की होगी वही दूरी इनके जो है ये समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो इसका सूत्र जो आपने पढ़ा है d बराबर सूत्र आपने पढ़ा है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 बटे यहां पे ये सॉरी इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 और अंडर रूट के अंदर आप ये भी जानते हैं ये होगा b1 c2 माइनस c1 b2 कवर प्लस यहां पे ये हटाई ये हटाई, इसको ऐसे समझ सकते हैं a1 c2 माइनस a2 c1 का वर्ग और प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का वर्ग। आप इस सूत्र में सब कुछ आपको पता है, इसमें मान रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरी समझ से ये अभ्यास आप पूरा कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समतल प्लेन पढ़ेंगे। धन्यवाद।